आवर टॉपिक इज डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। सो देखिए, अब डिस्कस करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप की स्पीड्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होती है? देखिए, एवरेज वेलोसिटी वी ये होती है वी वन वैक्टर प्लस वी टू वैक्टर अप टू सोन वी एन वैक्टर अपॉन एन। और जो एवरेज वेलोसिटी होता है इसका वैल्यू जीरो होता है। क्यों? रैंडम मोशन होता है जिसके कारण सम ऑफ जो वेक्टर सम होता है वेलोसिटीज का वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सेकंड वन हम डिस्कस करने वाले आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सो आरएमएस स्पीड कितना होगा? देखिए, देखो रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना होगा? मीन ऑफ वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए, ये होगा हमारे पास में वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस अप टू सोन वी एन स्क्वायर अपॉन एन। ये मीन स्क्वायर होगा। अब देखिए आरएमएस वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रूट लगा देंगे इसके, आरएमएस वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा? वी आरएमएस इक्वल्स टू अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस अप टू सोन वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वी आरएमएस का वैल्यू कितना निकल के आता है? वी आरएमएस हमारे पास निकल के आता है अंडर रूट में 3RT बाय एन। सो यहां से पता लग रहा है कि जो वी आरएमएस स्पीड होती है वो टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। सो मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, देखिए मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सो मीन स्पीड क्या होती है? देखिए ये होती है मोड ऑफ वी वन वैक्टर प्लस मोड ऑफ वी टू वैक्टर सो ऑन मोड ऑफ वी एन वैक्टर अपॉन एन। सो यहां से जब इसको सॉल्व किया जाता है तो यहां पर जो मीन स्पीड आती है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला डायरेक्ट, अंडर रूट 8RT बाय पाई एन। ये हमारे पास में आई है। देखिए वी आर एम एस का वैल्यू कितना आया था हमारे पास में? वी आर एम एस का आया था रूट में 3RT बाय एन। यहां पे वी मीन का जो वैल्यू आया कितना है? अंडर रूट 8RT बाय पाई एम। यहां से पता लग रहा है कि 8 अपॉन पाई का जो वैल्यू होता है, अंडर रूट 8 अपॉन पाई का वैल्यू रूट 3 से कम होता है, तो हम क्या कहेंगे? जो वी आर एम एस होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू वी मीन। और जो मीन फ्री पाथ होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीन फ्री पाथ इक्वल्स टू वी मीन इनटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सो देखिए दिस इज द स्पीड विच इज कॉमन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस।
सो गैस के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो कॉमन स्पीड होती है वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और जो वी मोस्ट प्रोबेबल है इसका वैल्यू कितना होता है, 2 RT/m। देखिए वी आरएमएस का वैल्यू हमने पढ़ा है √3 RT/m, वी मीन का वैल्यू हमने पढ़ा है कितना, 8 RT/m, और वी मोस्ट प्रोबेबल √2 RT/m। तो तीनों में रिलेशन क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्पीड होती है वी आरएमएस, उससे कम होती है वी मीन, और सबसे कम क्या होती है, वी मोस्ट प्रोबेबल। इनका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है वी मोस्ट प्रोबेबल का।